अभी आप महिंद्रा इंजन की क्वालिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी इसकी जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अलग तरीके से किया है। आप यहाँ पर लाइनिंग देख सकते हैं ऐसे ऐसे करके। ये जो लाइनिंग दिया है, मैंने कंपनी से बात किया कि ये लाइनिंग क्यों दिया है, तो उन्होंने बोला ये इंजन की मजबूती और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये लाइनिंग है। इसके वजह से इंजन में कोई भी दरार नहीं आएगा, कोई भी क्रैक नहीं पड़ेगा, ये जो है कंपनी दावा करता इंजन है। की जो लोहा है वो आप देख सकते हैं, इंजन से लेकर गियरबॉक्स जो है आप देख सकते हैं, कोई कॉस्ट कटिंग नहीं किया है इसमें, कोई पतला नहीं किया है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मोटा गियरबॉक्स। आप इस ट्रैक्टर का ग्राउंड क्लियरेंस देख सकते हैं कितना है, 350 मिलीमीटर का जो है ग्राउंड क्लियरेंस अब दे रहा है। सिंगल लीवर इंडिपेंडेंट PTO ये आपको इस ट्रैक्टर में मिल जाता है। इसके ज़रिए आप आराम से रोटावेटर का काम जो है इस लीवर के ज़रिए कर सकते हैं। इसके अगर हम डीजल कंजम्पशन की बात करें तो ये ट्रैक्टर रोटावेटर पर या मिट्टी के हिसाब से 4 से 5 लीटर की डीजल खपत है। इसमें आपको इंडस्ट्री में सबसे पहले 6 साल की वारंटी मिल जाती है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस जो है लगभग, दोस्तों आज हमारे सामने है महिंद्रा के तरफ से सबसे टॉप मॉडल का 4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर जो कि पडलिंग स्पेशल वाला है, महिंद्रा यूवो टेक प्लस 575 DI। ये अभी हमारे सामने है, ये जो कि टॉप मॉडल वेरिएंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लिप टो के साथ आता है, ड्यूल क्लच, 4-व्हील ड्राइव, 6 साल की वारंटी के साथ आता है। इंडस्ट्री में सबसे पहले जो 6 साल की वारंटी देने वाली कंपनी महिंद्रा आज हमारे सामने खड़ा है। आज हम जो है इस ट्रैक्टर का फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, जानने वाले हैं ट्रैक्टर में क्या क्या नया फीचर्स दिया है कंपनी ने, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओम प्रकाश, आप देख रहे हैं मशीनरी ज्ञान यूट्यूब चैनल। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसकी लुक्स और डिज़ाइन को देख सकते हैं, ये बिल्कुल पुराना जो यूवो आता था बिल्कुल वैसा ही दिखता है, लेकिन इसमें ऊपर कोई प्री क्लीनर नहीं मिलेगा और बोनेट जो है ये यहाँ से खुलता है। पहले वाला जो आता था वो आगे से खुलता था बिल्कुल कार टाइप का, लेकिन ये बिल्कुल जो है अलग तरीके से कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले इसकी इंजन से शुरू करते हैं। तो इसके अगर हम इंजन की बात करें तो इंजन की जो डिज़ाइन है वो आप देख सकते हैं, आगे की तरफ आपको काफ़ी बड़े साइज़ का रेडिएटर मिल जाता है, जिसके आगे जो है एक्स्ट्रा सेपरेट एक जाली मिल जाती है, जिसको खोल के जो है किसान आराम से मेंटेनेंस इसकी रखरखाव कर सकता है। यहाँ पर जो है कूलेंट बॉक्स मिल जाता है, और इसमें आप देख सकते हैं इंजन के ऊपर ही जो है कंपनी ने माउंट करके दिया है ड्राई टाइप का ड्यूल एलिमेंट वाला एयर क्लीनर। और वहीं अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसमें जो इंजन आता है आप देख सकते हैं 4 सिलेंडर का इंजन इसमें मिल जाता है। इंजन कैपेसिटी की बात करें तो 2979 CC का इंजन इसमें मिल जाता है। रेटेड RPM इसका 2000 इंजन रेटेड RPM है। इसके अगर हम टॉर्क की बात करें तो ये ट्रैक्टर 192 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और बैकअप टॉर्क की बात करें तो लगभग 22% तक का बैकअप टॉर्क भी ये प्रोड्यूस कर देता है। ये इंजन अभी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आया है। नया टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये अभी पैरेलल कूलिंग के साथ आता है। जैसे कि आप इसके सिलेंडर हेड को देख सकते हैं, ये 4 सिलेंडर के हेड हैं, तो इन सभी हेड को जो है पैरेलल तरीके से कूलेंट जाता है और एकदम सेपरेट इंजन को ठंडा करता है। ये इस कंपनी ने चेंज किया है अपने इस ट्रैक्टर में, और इसी की वजह से जो है इंजन की रिलायबिलिटी और भी ज़्यादा एनहांस हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी कंपनी ने सिंगल टाइप का डीजल फिल्टर इसमें दे रहा है, जो कि 500 घंटे की सर्विस अंतराल के साथ आता है। पहले जो डीजल फिल्टर आता था वो ड्यूल टाइप का आता था, और उसकी सर्विस इंटरवल लगभग 250 घंटे की होती थी, जिससे किसान को जो है बहुत ही कम टाइम में उसको सर्विस करना पड़ता था। अभी आप महिंद्रा इंजन की क्वालिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी इसकी जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अलग तरीके से किया है। आप यहाँ पर लाइनिंग देख सकते हैं ऐसे ऐसे करके। ये जो लाइनिंग दिया है, मैंने कंपनी से बात किया कि ये लाइनिंग क्यों दिया है, तो उन्होंने बोला ये इंजन की मजबूती और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये लाइनिंग है। इसके वजह से इंजन में कोई भी दरार नहीं आएगा, कोई भी क्रैक नहीं पड़ेगा, ये जो है कंपनी दावा करता है। तो अब जो है महिंद्रा इंजन की क्वालिटी आप देख सकते हैं, पहले से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इसकी डिज़ाइन किया है। इंजन की जो लोहा है वो आप देख सकते हैं, इंजन से लेकर गियरबॉक्स जो है आप देख सकते हैं, कोई कॉस्ट कटिंग नहीं किया है इसमें, कोई पतला नहीं किया है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मोटा गियरबॉक्स ऑफ महिंद्रा जो है यूज़ कर रहा है। इसका सेल्फ आप देख सकते हैं काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ का, छोटा साइज़ का अब यूज़ कर रहा है, पहले काफ़ी बड़े साइज़ का आता था, अब जो है इसकी डिज़ाइन अभी छोटा कर दिया है। यहाँ पर आपको एक टूल बॉक्स मिल जाएगा, जहाँ आप टूल वगैरह सब कुछ यहाँ पर रख सकते हैं आराम से, और इसकी क्वालिटी भी जो है ये भी लोहे का है। इस तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको अल्टरनेटर देखने को मिल जाएगा। नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है इंजन ऑयल फिल्टर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंडम पम्प,
हाइड्रोलिक पंप और पावर स्टीयरिंग का पंप यहाँ पर मिल जाएगा। इसके जो हाइड्रोलिक पंप है वो 29 लीटर पर मिनट के हिसाब से फ्लो करता है और पावर स्टीयरिंग का पंप जो है ये वाला है। और इसकी आप पावर स्टीयरिंग देख सकते हैं, सिंगल एक्टिंग टाइप का पावर स्टीयरिंग इसमें आपको मिल जाता है। महिंद्रा ने अब अपने इस ट्रैक्टर में बैटरी को जो है साइड पैक करके दे रहा है, इसमें आगे की तरफ बैटरी नहीं मिलेगा। आगे कंपनी ने जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेस रखा है जिससे इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर काफ़ी अच्छे से काम कर पाएगा। ये जो है कंपनी ने इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है। इसके अगर हम एग्जॉस्ट की बात करें तो एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं बोनेट के बाहर इसमें दिया गया है और ऊपर इसके ऊपर जो है सेपरेट एक जाली दिया गया है जिससे इससे प्रोटेक्शन मिलता है। और इसके फ्रंट एक्सल की बात करें तो फ्रंट एक्सल आप इसका देख सकते हैं बेवल एंड पिनियन टाइप का वाटर सील्ड एक्सल इसमें मिल जाता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके का। ये एक्सल जो है पडलिंग काम करने के लिए सबसे बेहतरीन है, इसके अंदर कोई भी कीचड़ नहीं जाएगा, ये बिल्कुल वाटर सील्ड एक्सल है। इसकी जो डिज़ाइन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, महिंद्रा की जो डिज़ाइन है वो बाकी ट्रैक्टरों से सबसे अलग होता है। फोर व्हील ड्राइव शाफ्ट की अगर हम बात करें तो इसका जो शाफ्ट है वो आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन प्रोटेक्शन के साथ दिया है कंपनी ने, और प्रोटेक्शन जो है वो प्लास्टिक का है और इसके अंदर जो है शाफ्ट गया है। और कुछ इस तरह से जो है महिंद्रा अपने फोर व्हील ड्राइव शाफ्ट को डिज़ाइन करता है। आप इस ट्रैक्टर का ग्राउंड क्लियरेंस देख सकते हैं कितना है। महिंद्रा दावा करता है कि अपने इस ट्रैक्टर में जो है 350 मिलीमीटर का जो है ग्राउंड क्लियरेंस अब दे रहा है, जो कि पडलिंग के लिए काफ़ी बढ़िया है। इसका फ्रंट टायर की बात करें तो फ्रंट टायर आप यहाँ पर देख सकते हैं एपोलो का फ्रंट टायर आपको देखने को मिल जाएगा और ये टायर जो है ये 9/5/20 का है। और वहीं रियर टायर की बात करें तो रियर टायर आप यहाँ पर देख सकते हैं, रियर टायर में आपको 14/9/28 का टायर इसमें मिल जाएगा और ये भी जो है एपोलो का है। हाई लॉक टायर इसमें आपको मिल जाएगा जिससे आप पडलिंग काम करते वक्त मिट्टी यहाँ पर नहीं चिपकेगा, जिससे आपको ट्रैक्टर के साथ केज व्हील लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इस टायर के साथ ही पडलिंग कर सकते हैं। इसकी ड्राइविंग प्लेटफॉर्म और गियरबॉक्स की बात करें तो आप इसका जो प्लेटफॉर्म है वो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खुला और लार्ज प्लेटफॉर्म है, फ्लैट प्लेटफॉर्म है और इसमें आप देख सकते हैं साइड शिफ्ट गियर लीवर मिल जाता है। ऊपर चढ़कर देखते हैं कि आगे की विजिबिलिटी कैसा है और कम्फर्ट कैसा है। ऊपर से आप आगे की विजिबिलिटी देख सकते हैं, आगे कोई भी प्री क्लीनर नहीं है, यहाँ आगे की तरफ आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है और इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 60 लीटर की है। यहाँ पर लॉकिंग सिस्टम के साथ ये आता है। ड्राइविंग जो स्टीयरिंग है वो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर कंपनी ने दिया है। यहाँ पर जो है आपको डिजिटल प्लस एनालॉग टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाएगा जहाँ पर आपको सारी जानकारी जो है यहाँ पर मिल जाएगा। इसकी अगर कम्फर्ट की बात करूँ तो कम्फर्ट काफ़ी बढ़िया है, सीट काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें फोर वे एडजस्टेबल डीलक्स सीट दिया गया है, स्टीयरिंग आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया, प्लेटफॉर्म भी आप देख सकते हैं काफ़ी खुला डुला प्लेटफॉर्म है, बीच में कोई गियर लीवर नहीं है। इसमें अगर क्लच की बात करें तो क्लच इसमें डायफ्राम टाइप का मिल जाता है और ये क्लच जो है ये ट्रांसमिशन के लिए काम करता है। और इस तरफ आप देख सकते हैं इसमें आपको इंडिपेंडेंट पीटीओ लीवर मिल जाता है जिसे स्लिप्टो कहा जाता है। स्लिप्टो मतलब SLI PTO और SLI PTO मतलब सिंगल लीवर इंडिपेंडेंट PTO, ये आपको इस ट्रैक्टर में मिल जाता है। इसके ज़रिए आप आराम से रोटावेटर का काम जो है इस लीवर के ज़रिए कर सकते हैं, रोटावेटर या फिर कोई भी PTO चलित उपकरण इसके ज़रिए चला सकते हैं। इसके अगर हम गियरबॉक्स की बात करें तो इस तरफ आप देख सकते हैं ड्राइवर के लेफ्ट कॉर्नर में लो मीडियम हाई का गियर लीवर मिल जाता है और ड्राइवर के राइट कॉर्नर में आप देख सकते हैं रिवर्स के साथ 4 स्पीड का गियर लीवर मिल जाता है, यानी टोटल 12 फॉरवर्ड + 3 रिवर्स का गियरबॉक्स इसमें मिल जाता है, फुल्ली कॉन्स्टेंट मेश टाइप का। ये गियर लीवर जो है स्मूथ काम करता है, ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है। ड्राइवर के लेफ्ट कॉर्नर में अगर हम देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक लीवर दिया गया है, ये लीवर जो है ये PTO का है। इसमें आपको 540 स्टैंडर्ड PTO, 540 रिवर्स PTO और 540 इकोनॉमी PTO, तीन तरह की PTO मिल जाती है, लेकिन रिवर्स PTO जो है इसमें ऑप्शनली मिलता है, आप चाहें तो ले सकते हैं। वहीं अगर हम ड्राइवर के राइट कॉर्नर की तरफ देखें तो राइट कॉर्नर में आप देख सकते हैं यहाँ पर पोजिशन कंट्रोल और ड्रॉप कंट्रोल की लीवर मिल जाती है, नीचे आपको यहाँ पर हैंड ब्रेक की लीवर मिल जाती है। इसके अगर ब्रेक्स की बात करें तो ब्रेक्स जो है इसमें फुल्ली ऑयल इमर्ज ब्रेक, यानी तेल में डूबा हुआ ब्रेक्स मिल जाते हैं, जो कि मेंटेनेंस फ्री होता है और काफ़ी लंबे समय तक चलता है। इसके पिछले हिस्से के बारे में बात करें तो आप इसका पिछला हिस्सा देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी रियर एक्सल आप इसका देख सकते हैं। इसमें आपको EP साइक्लिक प्लानिटरी रिडक्शन टाइप का रियर एक्सल मिल जाता है, जो कि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा
हैवी ड्यूटी रियर एक्सल है। ये रियर एक्सल जल्दी मेंटेनेंस नहीं आता है और काफ़ी ज़्यादा वज़न भी ये ढो सकता है। इसके अगर हम हाइड्रोलिक्स की बात करें तो इसका जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो 1700 केजी की है। पीछे इसके साथ आप देख सकते हैं एक 6 फीट का रोटावेटर जुड़ा हुआ है। ये ट्रैक्टर 6 से 7 फीट का रोटावेटर चला सकता है। मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है कि अगर आप पडलिंग काम करते हैं और ज़्यादा आपके एरिया में ज़्यादा ट्रैक्टर डूब के चलता है तो आप 6 फीट का रोटावेटर यूज कर सकते हैं, वरना आप अगर रेतीली ज़मीन पर खेती करते हैं तो आप 7 से 8 फीट का रोटावेटर भी आराम से इसके साथ जोड़ सकते हैं। इसके अगर हम डीजल कंजम्पशन की बात करें तो ये ट्रैक्टर रोटावेटर पर यानी पडलिंग पर मिट्टी के हिसाब से 4 से 5 लीटर की डीजल खपत करता है। ये जो है कंपनी का दावा है। यहाँ पर आप इसके एमटेक हाइड्रोलिक की जो डिज़ाइन है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट सेंसिंग, यहाँ पर 2 पॉइंट सेंसिंग के साथ ये हाइड्रोलिक आता है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसकी डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आपको SCV वाल्व मिल जाता है। आप चाहें तो ड्यूल एक्टिंग टाइप का भी ले सकते हैं, वो ऑप्शनली आता है, आप चाहें तो ले सकते हैं। ट्रैक्टर के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप यहाँ पर स्पेसिफिकेशन प्लेट देख सकते हैं। ये ट्रैक्टर जो है ये अभी 9वें महीने में 2022 में मैन्युफैक्चर हुआ है। आप यहाँ पर जो है SFC यानी स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन यहाँ पर देख सकते हैं। 241 ग्राम पर किलोवाट आवर के हिसाब से ये डीजल खपत करता है। मैक्स PTO पावर आप यहाँ पर देख सकते हैं, 43.1 HP की जो है PTO पावर ये निकाल देता है। ये ट्रैक्टर है महिंद्रा यूवो टेक प्लस 575 DI। इस ट्रैक्टर की अगर हम वारंटी और प्राइस की बात करें तो आप यहाँ पर वारंटी देख सकते हैं। इसमें आपको इंडस्ट्री में सबसे पहले 6 साल की वारंटी मिल जाती है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस जो है लगभग ऑन रोड 9 लाख के आसपास मिल जाती है। आप स्टेट वाइज जो है इसकी कीमत अलग अलग होता है, लेकिन अप्रॉक्स जो है 9 लाख की कीमत में ये ट्रैक्टर मिल जाती है। तो ये था महिंद्रा यूवो टेक प्लस 575 DI के बारे में डिटेल में जानकारी। जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में तो बस इतना है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।